अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल वेल। आई एम गुड टू, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, सो वेलकम टू द रिकनेक्ट सीरीज। आज का जो टॉपिक है वो है योर सेल्फ इमेज, यानी कि आपकी सेल्फ इमेज, आपकी सेल्फ वर्थ, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जिससे जुड़ा है। लास्ट वर्कशीट के ओवरव्यू में हमने डिस्कस किया था कि कंटेनर के अंदर जो चीज़ होती है वो वही रिफ्लेक्ट करता है और उसी से पोर करता है। जो उसके अंदर डाला जाएगा, जो उसके अंदर होगा, वही वो पोर करेगा। ठीक है। अच्छा, जो आज की वर्कशीट है उसका, हाँ, उसमें हम डिस्कवर करेंगे कि हम अपने अंदर पोर कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। हमारे अंदर जो है, हम उसको, हमने आइडेंटिफाई कर लिया पिछली वर्कशीट में कि हम क्या पोर कर रहे हैं। इस वर्कशीट में हमने आइडेंटिफाई करना है कि हम उस चीज़ को अपने अंदर फील ही क्यों कर रहे हैं। ठीक है। उसका ताल्लुक ये होता है कि कंटेनर अपने आप को जिस काबिल समझेगा वो अपने अंदर उसी चीज़ को फिल करेगा, वो अपने अंदर उसी क्वालिटी की चीज़ को लेगा, वो अपने लिए वही चॉइसेस लेगा, वही चीज़ें चूज करेगा जो लगे उसको लगेगा कि वो इस काबिल है। वो उन एक्टिविटीज़ में टाइम स्पेंड करेगा जिसके काबिल वो खुद को समझे, वो उन प्रोडक्ट्स को यूज़ करेगा जिसको वो काबिल वो खुद को समझे, वो उन चीजों में अपना टाइम स्पेंड करेगा ना, अपनी टाइम और अपनी एनर्जी एंड अपना पैसा भी। वो ऐसे ही दोस्त बनाएगा जिसके काबिल वो खुद को समझेगा, वो काम भी वही करेगा जिसके काबिल वो खुद को समझेगा। मेक सेंस? आई होप इट डज। अच्छा, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि हम, अच्छा, समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम अपने साथ कुछ गलत कर रहे हैं, हम जो ये चीज कर रहे हैं वो सही नहीं है, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसका ताल्लुक हमारी सेल्फ वर्थ से होता है। हम अपने आप को किस नजरिए से देखते हैं, हम अपने आप को कैसा समझते हैं। ज्यादातर पाकिस्तान में मैंने जो देखा है, अपने इर्द गिर्द जो मैंने देखा है, वो ये है कि हमारी इमेज, हमारा अपने बारे में तसव्वुर कि हम क्या हैं, कैसे हैं, हमारी खुदशनासी तो खैर बहुत बात की बात है, बहुत से लोग अपने आप को जानते भी नहीं हैं। वो अपने आप को जिस नज़रिए से देखते हैं वो उनका अपना नज़रिया नहीं होता। वो उनको लोगों ने बताया होता है कि आप ऐसे हैं, वो जो सुनते आते हैं उनके साथ जो लेबल्स लगाए जाते हैं कि आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, अपने आप को उसी नज़र से देखते हैं। अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो मैंने देखा है वो ज़्यादातर लोग अपने आप को शेम की नज़र से देखते हैं। बहुत से लोग हैं जो खुद को समझते हैं कि वो अच्छे नहीं हैं, या वो रिबेलियस ही हैं, या वो ऐसे ही हैं। उनके अंदर से कुछ तो ऐसे हैं जो अपने आप को समझते हैं लेकिन बेहतर होना चाहते हैं, कुछ अनफॉर्चुनेटली ऐसे हैं जो अपने आप को बेहतर करने की ख्वाहिश भी नहीं रखते क्योंकि उनको लगता ही नहीं है कि वो उस काबिल हैं। उनको लगता है कि वो ऐसे ही हैं और ऐसे ही रहेंगे, विच इज समथिंग जिस पे बहुत तवज्जो देने की जरूरत है, जिस पे काम करने की जरूरत है। ये खतरे की बात है। ठीक है। इसमें बहुत बड़ा रोल है कि आपकी सेल्फ इमेज आप आइडेंटिफाई करें कि आप जो हैं वो आप क्यों हैं, आपको ऐसा किसने बताया कि आप हैं, क्या आप वाकई वैसे हैं। क्योंकि समटाइम्स कुछ लोग जो सेल्फ अवेयरनेस में चल पड़ते हैं, अपने आप को जानने की कोशिश में लग जाते हैं, उनको महसूस होना शुरू हो जाता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ, लेकिन मैं ऐसा क्यों करता हूँ, मैं जो भी करता हूँ मैं क्यों करता हूँ, मेरी एक्टिविटीज, बिहेवियर्स, ये चीज़ ऐसे क्यों कर रही है, मुझे अपने साथ अलाइन होते फील नहीं हो रही। यू हैव टू आइडेंटिफाई इट, आपको पता लगाना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, किसके कहने पर आप कर रहे हैं। ठीक है। हमारी सेल्फ इमेज, सेल्फ वर्थ जो है उसका ताल्लुक बहुत ज़्यादा हमारे केयर गिवर्स, हमारे पेरेंट्स, हमारी फैमिली से, स्पेशली हमारे पीयर्स और फ्रेंड्स के साथ ताल्लुक होता है। हमें आइडेंटिफाई करना है कि हम जिस नज़रिए से खुद को देख रहे हैं, क्या असल में वैसे हैं, क्या अल्लाह ने हमें ऐसा बनाया है, मुझे अल्लाह ने क्या बना के भेजा था और मैं क्या बन गया हूँ, क्या मैं उसी रास्ते पर चल रहा हूँ जैसा अल्लाह ने मुझे चाहा था, या मैंने उसमें इम्प्योरिटीज ऐड कर दी हैं और मैं गलत रास्ते पर चल रहा हूँ, क्या मैंने अपने कंटेनर को उस पोटेंशियल पे यूटिलाइज किया है, यूज कर रहा हूँ जिस पोटेंशियल पे मुझे अल्लाह ने बनाया था या नहीं, क्या मुझे अपनी पोटेंशियल पता भी है, क्या मेरी क्वालिटीज मुझे पता है जो मुझे अल्लाह ने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस दी हैं, क्या मुझे उनका अंदाजा है या नहीं है। ये चीज़ आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है,
बेहतरीन जिंदगी गुजारने के लिए और अपनी फुल पोटेंशियल पे जिंदगी गुजारने के लिए। सेल्फ वर्थ आपको बहुत पता होनी चाहिए। बहुत से लोग मैं इर्द गिर्द देखती हूँ, बहुत से लोग हैं जिनकी वर्थ मेरी नजर में बहुत है लेकिन वो अपने आप को वैल्यू नहीं करते। बहुत से लोग गलत एक्टिविटीज में मुलव्वस हैं जस्ट बिकॉज वो अपने आप को वैल्यू नहीं करते। उनको लगता है दे आर नॉट गुड इनफ, दे डोंट डिजर्व टू बी ट्रीटेड वेल, दे डोंट डिजर्व कि वो अपने आप को अच्छा ट्रीट करें। ठीक है, आप खुद को जिस तरह से ट्रीट करेंगे अगला आपको उसी तरह से ट्रीट करेगा, क्योंकि दैट्स योर वर्थ इन योर ओन आइज। आप ट्रीटमेंट भी वही रिसीव करना पसंद करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे जिस ट्रीटमेंट के काबिल आप खुद को समझते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है और इस पर काम करने की जरूरत है। सो वर्कशीट, आई होप कि मेरी जो बात है वो समझ आ गई होगी या उसकी थोड़ी बहुत आपको आइडिया हो गया होगा। इसके ऊपर जो वर्कशीट है हम उसकी तरफ आ जाते हैं। लेट मी शेयर द स्क्रीन। अच्छा जी, सेल्फ इमेज, सेल्फ वर्थ एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस की वर्कशीट इस बारे में है। इसके ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली क्या हैं कि इम्प्रूव योर सेल्फ इमेज एंड सेल्फ स्टीम। सेल्फ इमेज और सेल्फ स्टीम को इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही बात कि हम अपने आप को जिस नजर से देखेंगे हम उसी नजर से दुनिया हमें देखेगी, और हम उसी नजर उस नजरिए की बेस पे हम अपनी एक्टिविटीज करेंगे, और डेफिनेटली हमारी नियतें भी उसी से रिफ्लेक्ट होंगी, हमारे अमल भी उसी से रिफ्लेक्ट होंगे। और लॉन्ग टर्म के लिए अल्लाह के सामने तो हमने हाजिर होना ही है अपनी एक्टिविटीज और अपने नियतों के बेस पे, नियत और अमल की बेस पे। सो इस पे काम करना जरूरी है। रिमूव ऑल द क्रिटिकल इमोशंस दैट आर हैवी टू डाइजेस्ट अबाउट योर सेल्फ। अच्छा जी, सेल्फ इमेज में बहुत से लोग सफर करते हैं क्योंकि कुछ इमोशंस हैं, कुछ बातें हैं बाजी की जो उनको परेशान करती हैं, कुछ इमोशंस हैं जो उनको परेशान करते हैं और उसको फेस नहीं कर पाते, इसलिए वो अपनी आपको उसी स्ट्रक्चर में लेके चलते रहते हैं जिससे उन्होंने जिंदगी गुजारी होती है, विच इज मोस्टली सर्वाइवल, डिफेंसिवनेस, ईगो, गार्ड करना खुद को, आर्मर अप करना। लेकिन ऐसी जिंदगी गुजरती नहीं, ऐसी जिंदगी गुजारनी नहीं चाहिए। थ्राइविंग के लिए आपको अपने ऑथेंटिक सेल्फ तक पहुंचना जरूरी है। रिकग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन अदर्स ओपिनियन ऑफ यू एंड योर रियल सेल्फ। जब आप अपने आप से ताल्लुक में आते हैं तो आपको पता चलता है कि अगला बंदा आपको कुछ कह रहा है और आपको ट्रिगर हो रहा है, आप या तो आप अपने आप को लूज कर जाते हैं या आप समझ जाते हैं कि भाई ये तुम्हारा ओपिनियन है, असल में मुझे पता है कि मैं कौन हूँ। और जब आपको पता हो कि कौन है तो फिर आपको कॉन्फिडेंस शैटर करना इतना आसान नहीं होता। हील योर इनर चाइल्ड। इनर चाइल्ड वो है जो जिसकी नीड्स बचपन में पूरी नहीं हुई या जिसने जिसको एक अच्छा रोल मॉडल नहीं मिला। आपके अंदर एक बच्चा, हम सबके अंदर एक बच्चा होता है जो बचपन से हमारे साथ होता है, जो कभी कभी मोमेंट्स पर बाहर आ जाता है, लेकिन वो सेफ वे में बाहर आए ये बहुत जरूरी है, वो सेफ फील करे ये बहुत जरूरी है। अगर बच्चा सेफ फील नहीं कर रहा होता तो वो आपके अंदर का, मतलब इंसान जो सेफ फील नहीं कर रहा, आपका माजी, वो आपको परेशान करता रहेगा। इसमें बहुत सारी इलनेसेस भी आती हैं उसकी वजह से, और बहुत सारे बिहेवियर्स भी आते हैं इस चीज की वजह से। इनर चाइल्ड हीलिंग एक बहुत लंबा प्रोसेस है और अपने अंदर एक पूरी डेप्थ रखता है, लेकिन हम इसमें थोड़ा बहुत अनलीश करेंगे। बिकॉज जब आप पास से कनेक्ट करेंगे तो आप इनर चाइल्ड से कनेक्ट करेंगे अपने ओन पे, मतलब आपकी अपनी एक बीइंग के थ्रू, यानी कि आप दूसरों के साथ जब कनेक्शन बना रहे हैं, इनर चाइल्ड इज योर ओन सेल्फ। ठीक है, फिर उसके बाद वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन है। आपने एफर्मेशन में देखना है कि जब आप ये एफर्मेशन बारी बारी पढ़ते हैं तो आप क्या इसको अपने अंदर फील कर पा रहे हैं या नहीं। अगर आपको लगता है कि आप कहीं पे फील नहीं कर पा रहे, आपको लग रहा है कि मैं ये फील करना चाहता हूँ लेकिन मुझे अपने हाँ मामले में ये रेजोनेशन नहीं फील हो रही है, मुझे अपने साथ रेजोनेट करता नहीं फील हो रहा, अब से मार्क करें एंड देन वर्क ऑन इट कि आपने अचीव करना है, बिकॉज ये अचीव करने की काबिल चीज है। देन कमिंग टूवर्ड्स कि आप किस तरह से फील कर रहे हैं। लेफ्ट साइड पे आपको पता है कि चीजें हैं जो कि आपको लो एनर्जी में रखती हैं, जो आपके लिए नेगेटिव साइड्स हैं, एंड यू हैव टू वर्क ऑन देम। राइट साइड पे अगर है तो इसका मतलब आप बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, आपकी सेल्फ इमेज बेहतर है एंड आपके अंदर ही अच्छा असर डाल रही है। देन यू हैव टू रिफ्लेक्ट अपॉन द स्टेटमेंट आई एम वर्थी, आई एम इनफ।
आपने आइडेंटिफाई करना है कि किस हद तक ये आपको फील हो रहा है कि ये हकीकत है, कि आपने आपको वर्दी समझते हैं, आपने आपको काफी समझते हैं। देन वी हैव द जनरल प्रॉम्प्ट्स। इसमें हम देखेंगे कि हम कॉन्फिडेंस को किस नज़र से देखते हैं, हमारे लिए कॉन्फिडेंस, हमारी कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, हम कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं, हम क्यों नहीं हैं, हम अपने आप को किस नज़रिए से देखते हैं, हमारी इमेज हमारे सामने क्या है, और मेरी वर्थ मेरे नज़दीक क्या है, मेरी सेल्फ इमेज मेरे नज़दीक क्या है, मेरी इस्टीम मेरे नज़दीक क्या है। ऊपर नीचे ऑफकोर्स होगा, यू हैव टू कम बैक टू इट टाइम के साथ, आप उस तक पहुंचेंगे। आपको क्या चीज़ें इंजॉय करती हैं, आपके इनर चाइल्ड किन चीज़ों को पसंद करता है, आपकी हकीकत क्या है, आपकी ऑथेंटिक सेल्फ क्या है, आप इस तक पहुंचना है आपने, ठीक है। आपकी करेज, आपकी विल पावर कहाँ से आती है, ठीक है। आपने आपको किन मौकों पे अनवर्दी या अनलवेबल, किन एरियाज में आप समझते हैं कि मैं इस काबिल नहीं हूँ, वो आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि आप अपने आप को काबिल क्यों नहीं समझते, क्योंकि ये चीजें हैं जो हमें होल्ड बैक करती हैं कोई भी चीज, कोई भी स्टेप लेने से पहले। एंड ये बहुत जरूरी होता है, हमारी इनसिक्योरिटीज हमें पता होनी चाहिए, उन इनसिक्योरिटीज पे हमें काम करना चाहिए कि उनको हम अपने जिंदगी में, अपने रास्तों में ब्लॉक ना बनने दें, बैरियर ना बनने दें, ठीक है। उनको हम हमें हमारे आगे बढ़ने से हमें रोके ना वो चीजें। हम क्रिटिसिज्म को कैसे हैंडल करें, हमने अपने आप को इतना स्ट्रांग कैसे बनाना है कि हमें कोई बता रहा है तो हमें पता चले कि जस्ट उसका ओपिनियन है, और ये मुझे भी हकीकत पता है, लेकिन अगर उसमें कोई चीज़ पॉजिटिव है तो मैं उसको पिक करूँ, कोई चीज़ नेगेटिव है तो मैं उसको इग्नोर करूँ, जैसे उसको सिर्फ उसका ओपिनियन समझूँ, ठीक है। ये चीज़ें वर्ड से आती हैं, सेल्फ इमेज से आती हैं, ईगो से इसका बहुत गहरा कनेक्शन है, और हमें ये चीज़ आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। तो हम एंड इसको इस नोट पे करेंगे कि हमें इस पे काम करना है, हमें बहुत जरूरी है कि हम जाने कि हम हमारे लिए जो चीजें अहमियत रखती हैं वो क्या बाकी अहमियत रखती हैं, सक्सेस हमारे नजदीक क्या है, ब्यूटी हमारे नजदीक क्या है, अचीवमेंट हमारे नजदीक क्या है, हमारा एंड गोल क्या है, हम तारीफ की उम्मीद अल्लाह से रखते हैं, इंसानों से रखते हैं, हम किस काबिल हैं, इंसान किस काबिल है। जब हम अपने आप को जान जाते हैं, अपनी पॉजिटिव नेगेटिव्स को जान जाते हैं, तो हम लोगों को भी जान जाते हैं। अगर हमें लगता है कि मेरे में खामी है और ये खामी इंसान होने के नाते मेरे अंदर है और मैं खुद को माफ कर सकता हूँ, शेम पे जाना नहीं है। शेम बहुत बड़ा फैक्टर है कि बहुत से लोग अपनी जिंदगी को जाया कर देते हैं बिकॉज उनके अंदर बहुत शेम होती है। उस शेम, उस रिजेंटमेंट को हमने अपने अंदर से खत्म करना है लाजमी तौर पर, क्योंकि ये अननेसेसरी बर्डन है जो हमें हमें नीचे खींच के लाते हैं, ठीक है। और हमें इससे आजाद करना है खुद को, बिकॉज हमने कोई पोटेंशियल कराना है, बिकॉज अल्लाह को हमने जवाब देना है कि हमने अपने साथ ख्यानत नहीं की, हमने अपने साथ अपने आप अपना ताल्लुक ईमानदारी से निभाया है। और हमारी वर्थ जो है वो अल्लाह के नजदीक काउंट होनी चाहिए, इंसान के नजदीक नहीं, ठीक है। उसमें यह है कि आपने अपनी मैक्सिमाइज करनी है अपने पोटेंशियल को, एंड ये एंड गोल बनाना है, और इसके लिए आपने मेहनत करनी है। आई होप कि आप इस पे मेहनत करेंगे, इस पे काम करेंगे, एंड आपको ये बातें समझ आई होंगी कि हाँ ये चीज़ें हैं जो वैल्यू रखती हैं, जो इम्पोर्टेंस रखती हैं, क्योंकि दिस इज द कोर पार्ट कि आपकी लाइफ की बहुत सी डिसीजन इस पर डिपेंड करते हैं, इस सेल्फ वर्थ पर डिपेंड करते हैं, वो कहाँ से आ रही है और उस पे काम करने की जरूरत है कि नहीं। ऑफ कोर्स इम्प्रूवमेंट चलती रहेगी, लेकिन कहीं से स्टार्ट करना जरूरी है। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड डू यू शेयर योर फीडबैक एंड डू स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ, स्लो डाउन एंड जस्ट रिलैक्स एंड डू थिंग्स स्लोली एट योर ओन पेस। अल्लाह हाफिज़।